So hello guys, and today you're on my channel NB's Gaming, and today I'm going to play Minecraft. So let's get started. तो फिर गाइस पिछले वीडियो में हम यहाँ पे अड़के हुए थे, तो फिर मतलब रात हो गई थी और मैंने बेड भी नहीं लाया। तो फिर पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने कुछ तो किया है इस वर्ल्ड में, तो वो यही है। मतलब यहाँ पे मैंने नीचे यहाँ पे एक अंडरग्राउंड बंकर टाइप बनाया है डर्ट का, मतलब सिर्फ खोदा है अंडरग्राउंड, दिख क्या है। और मैंने यहाँ पे होल रखा है, मतलब कि अगर कोई मॉब्स आए जस्ट इन केस, तो फिर वो इसके अंदर गिर जाए और हम यहाँ से उन्हें मार सके। और अब मतलब मेरा फूड भी ख़त्म होने वाला है, और अभी मेरे पास मतलब ये जो एक ये चिकन है वो अनकुक्ड है, पर मतलब अभी मैं उसे कुक करने वाला था, पर मेरे पास कोल नहीं और मैं वुड को बर्न बिल्कुल नहीं करना चाहता, क्योंकि हमें वो लग सकता है, आगे यूज़ में आ सकता है। तो फिर मैं एक काम करता हूँ, इस बेस को और थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, मतलब ब्लॉक्स मिल जाएंगे। और फोन ऊपर से ओपन हो गया, अभी वहाँ पे ऊपर एक सनफ्लावर था, मुझे लगा कि ये विलेजर है फार्मर। तो फिर अभी मैं जल्दी से ये फिल कर लेता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैंने ही खोदा और बाद में। ओके, तो फिर इस लेवल का सब कुछ करना है, ये ऊपर का और कट करना पड़ेगा, और मेरा शवल भी टूट गया। फिर ठीक है, यहाँ पे ये रख के भी एक नया आयरन का शवल बनाऊंगा, मतलब जल्दी नहीं टूटेगा, स्पीड भी ज़्यादा होगी। अभी तक सुबह नहीं हुई, अभी मिडनाइट है बाहर, क्योंकि अभी मून मतलब हमारे सर के ऊपर है। तो फिर गाइज मैं आपको सुबह होने के बाद मिलता हूँ। तो फिर गाइज मैंने अभी देखा कि बाहर यहाँ पे रोशनी और दिन हो गया है, क्यों, और मैंने जब तक दिन हो रहा था मैंने कुछ टाइम मतलब ऐसे अंदर रहा यहाँ पे, और बाद में यहाँ पे माइनिंग की। तो फिर अभी हमारे पास ब्लॉक्स तो इनफ है, ऊपर जाके और एक्सप्लोर कर, इस साइड से आए थे और वहाँ पे बिल्ड करके यहाँ पर आए थे, और अभी हमें इधर जाना पड़ेगा। ओ शिप्स मिल गई, पर हमारे पास अभी ओ इससे ध्यान में आया कि हमारा क्राफ्टिंग टेबल अंदर ही रह गया, और अभी तो मैं मतलब वुड को ठीक से यूज करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर कुछ भी नहीं है, मतलब ट्री एक भी नहीं है। तो फिर भी ऊपर आके मैं यहाँ पे एक शेयर बना लेता हूँ, मतलब कि वुल ज़्यादा मिलेगा और बेड बना सकते हैं हम। मुझे लगता है कि एक ही शिप से हो जाएगा, पर मैं दोनों भी शिप्स को करूँगा। यहाँ पे एक शिप और इसने दो दिए, तो फिर दूसरी शिप कहाँ पे गई, यहाँ पे दो शिप्स थी। गाइस ने अपने आप डैमेज लेने लगा, कैसे, हाउ। गाइस मुझे इसको मारना पड़ेगा, क्योंकि फूड के रिसोर्सेस नहीं है और आगे पिग्स भी हैं। इस साइड को एक्सप्लोर कंटिन्यू करते हैं, पर गाइस वहाँ पे मतलब अपने आप में डैमेज लेने लगा। तो फिर अभी मैं एक्सप्लोरिंग कंटिन्यू करता हूँ, वो तो फिर इस मतलब इसने लगता है ग्रास खा ली, तो फिर इसको भी शेयर कर, नहीं ये दूसरी शीट पर,
ये मिल गई एक वुल, मतलब अब बेड बना सकते हैं हम। अब यहाँ से फिर से स्ट्रेट ये स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम यहाँ से स्ट्रेट पीछे से आए थे और अभी यहाँ पे जाएंगे एक्सप्लोर करने। मेरा ध्यान ही नहीं था नीचे, मतलब गिर गया। और तो फिर अभी जल्दी से यहाँ पे ऊपर चढ़ जाता हूँ। और वो आगे तो बहुत सारे ट्रीज है, तो फिर अभी मैं इसके ऊपर से जाऊंगा ट्रीज के। तो फिर वो नीचे गिर गया, सिर्फ एक ब्लॉक से बचा। मतलब एक ब्लॉक अगर आगे जाता तो फिर डैमेज नहीं लेता। ओ अबेंडेंड गाइस, वहाँ पे एक मतलब डेड विलेज है। मैं नीचे से ही जाऊंगा वहाँ पे। okay, तो फिर यहाँ पे मैं आगे ले लेता हूँ पोर्क चॉप। अबेंडेंड विलेज है इसमें, मतलब वीट हो सकती है, नॉर्मल विलेज में भी होती है। वो यहाँ पे ज़ॉम्बीज है, वीट तो दिख रही है मुझे वहाँ पे, पर हेबल चाहिए। तो फिर अभी कि अंदर एक बैरल है, तो फिर देखते हैं इसके अंदर कुछ नहीं। ठीक, अभी एक हेबल चाहिए। ओ यहाँ पे एनिमल्स है, तो फिर वहाँ पे फूड है, यहाँ से मैं ले लूँगा। मैं वीट नहीं लूँगा, सिर्फ कैरेट लूँगा, क्योंकि वीट के फिर से बनाना पड़ता है वो। लगता है विलेज में और मतलब ये और फार्म्स नहीं, ये एक ही फार्म है। उस साइड को एक बार देखता हूँ। वो यहाँ पे एनिमल्स भी है बहुत सारे। फूड के रिसोर्सेस थोड़े से कलेक्ट करता हूँ। किसका डैमेज ज़्यादा है? इसका 4 है और इसका 5, मतलब स्वॉर्ड का ज़्यादा है। लेट्स टेस्ट बाय एक्स, इससे 2। तो फिर अभी जल्दी से यहाँ पर जाते हैं। कुछ एनिमल्स मतलब कुछ, हाँ यहाँ पर भी एनिमल्स। पोक चॉप और ये ब्रेड से सबसे ज़्यादा हेल्थ बढ़ती है लगता है, क्योंकि पिछले बार जब पोक चॉप खाए थे तो फिर बहुत सारी हेल्थ बढ़ी थी। रॉ पोक चॉप से थोड़ी कम बढ़ती है, पर कुक्ड से थोड़ी ज़्यादा। ओ यहाँ पे तो इतने सारे विलेजर्स हैं। ज़ॉम्बी फार्म भी नहीं है और वो इस अटक गए। ये तोड़ देता हूँ और अब यहाँ से फिर से स्ट्रेट स्टार्ट। ओह डॉग, मेरे पास बोन है क्या? नहीं है यार, इस डॉग को वरना मैं टेम कर लेता। मेरे पास ये भी है, ये आई थिंक मेरे पीछे पीछे आएगा। नहीं आएगा, अगर टेम होगा तो ही आएगा। और कैट के लिए ये लगता है फिश। और अभी मैं फिशिंग करने नहीं आया, तो फिर यहाँ से आगे जर्नी चालू रखते हैं। और मैं ऊपर क्यों नहीं चढ़ पा रहा, चढ़ गया। अभी एक जंगल बायोम आ गया। तो फिर गाइस मैं यहाँ पे केव एक्सप्लोर करूँ कि नहीं,
आई थिंक कि नहीं करनी चाहिए। तो फिर अभी मैं काम करता हूँ, ये ले लेता हूँ मेरे साथ बेरीज। ओ ये ज़्यादा मिलती है क्या? अभी 7 है, हाँ 7 है तो 10 हो गया, और 12 अभी। तो फिर अभी ये भी माइन कर लेता हूँ। अभी मेरी मतलब ये हेल्थ भी कम हो गई मेरी। आई थिंक कि फॉक्स को हम टेम नहीं कर सकते, लेकिन उससे हम ये दे सकते। मुझे लगा कि आप एक फॉक्स है, फॉक्स को हम ये दे सकते हैं। आई थिंक फिर गाइस मैंने यहाँ पे कुछ मतलब ये स्वीट बेरीज कलेक्ट किए, और यहाँ पे रात भी होने वाली है। तो फिर मैंने बेड नहीं बनाया अभी तक, तो फिर जल्दी से बना लेता हूँ और सो जाता हूँ यहाँ पे। और मेरे पास वुड ही नहीं है। ओके तो फिर अभी सो गया, और अभी मेरे पास फूड भी है, इनफ रिसोर्सेस। ड्राउन मैंने ड्राउन मतलब वहाँ से जंप किया और ड्राउन पे आ गया, ड्राउन पे जंप किया मैंने। कि यहाँ पे जल्दी से ब्लॉक्स निकालता हूँ कि मैं स्ट्रिंग की जगह मेरा फूड निकाल लेता हूँ, क्योंकि अगर लगा हो कभी तो। तो फिर अभी जल्दी से मैं ओ लामा पर इस मतलब अभी यहाँ पे इस साइड को जाता हूँ। अब मतलब इधर से अगर स्टेट गए तो फिर हमारा घर आएगा, पर आई थिंक कि अभी हम बहुत आगे आ चुके हैं घर जाने के लिए। मतलब एक दो ओ विलेज गाइस, वहाँ पे देखो एक विलेज है। आई थिंक मतलब घर पे जाने के लिए ये लगेगा, बहुत देर लगेगी। तो फिर अभी जल्दी से ऊपर जाता हूँ। तो फिर ये एक स्नो विलेज है। आज के वीडियो में मतलब आज के वीडियो में अभी मैं इसको एक्सप्लोर करूँगा, और फिर अगली वीडियो में हम फिर से मतलब रिवर्स जाएंगे घर की तरफ। हमें रास्ते में दो दो विलेज दिखे, एक अबेंडेंड विलेज और एक नॉर्मल स्नो विलेज। फिर जल्दी से ये खा लेता हूँ। ये मैं अपने साथ ले जाऊंगा इन विलेजर्स को लूटने के टाइम। ओ पिलेजर टावर पास में ही, तो फिर इससे भी लूट मिलेगी। और कुछ नहीं अंदर, गाइस आई एम गोइंग टू टेक अ रिस्क, क्योंकि अभी यहाँ पे रिस्पॉन पॉइंट सेट करूँगा और यहाँ से नीचे जाऊँगा और वाटर बकेट ट्रिक करूँगा। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक मतलब ये डर्ट का बिल्ड कर लेता हूँ, मतलब कि जब हम घर पे अगली वीडियो में याद रहेगा। मैं इसमें मतलब इतना प्रो नहीं हूँ, पर लेट्स टेस्ट इट एंड वी आर डेड। तो फिर अभी नीचे ऐसे ही जाना पड़ेगा और मेरा सारा का सारा सामान लेना पड़ेगा।
गाइस मैंने आपको बोला था कि इसमें इतना प्रो भी नहीं हूं मैं, और पहुंच गया। तो फिर अभी सारा का सारा सामान ये करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। और विलेजर्स के नीचे भी, नीचे तो नहीं गिरा, नहीं। तो फिर अभी यहाँ पे मैं सारा अरेंज कर लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो फिर गाइज मैंने यहाँ पर अरेंज कर लिया है, पर अभी मुझे ये भी लेना पड़ेगा आगे। और फिर अभी यहाँ से अंदर जाता हूँ, इस घर के अंदर जाने के लिए रास्ता कहाँ पे है कि यहाँ इस साइड पे, वो डबल डोर और चेस्ट भी और ब्रेड, यस ब्रेड मिल गया, और एक शवल भी। और ये भी ले चलता हूँ मेरे साथ, ये एक काम करता हूँ, मैं एक नई आयरन की पिकैक्स भी बना लेता हूँ, क्योंकि ये वाली मेरी टूटने वाली है अभी। वो आयरन गोलम इसके अंदर है, मैं इसे मारूंगा नहीं, क्योंकि ये फिर इस विलेज को प्रोटेक्ट करेगा। तो ये कितना छोटा घर है, मतलब ऐसे हर एक घर को डबल डोर है। मैं फिर से ऊपर आ गया क्या? ओ, इस साइड को भी है विलेज और इस साइड को भी। एक काम करता हूँ, अभी विलेजर्स को नहीं, विलेजर टावर के पास जाता हूँ। मुझे इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अभी भी नहीं आ रहा। ओ, यहाँ पे फार्म की डिजाइन कितनी अच्छी, मतलब अंदर से एक रास्ता है और यहाँ पे स्टेयर्स भी है। तो फिर अभी वो पिलेजर टावर कहाँ पे गया? ओके, वहाँ पे। तो फिर मेरे पास अभी वो भी नहीं है, तो फिर मुझे बहुत छुप छुप के जाना पड़ेगा। तो फिर अभी यहाँ पे आसपास तो कोई भी नहीं है और हम यहाँ पे आ गए, तो फिर मैं यहाँ पे ये तोड़ के जाऊंगा। यहाँ पे मेरे पीछे खड़ा है, वो गाइस बच गया। मेरी हेल्थ बहुत ही ज्यादा है, मतलब बहुत ही ज्यादा कम है, ज्यादा नहीं है। अभी तक उनको पता चल गया होगा, मुझे जल्दी से ऊपर ऊपर भी एक दो पिलेजर्स हो सकते हैं चेस्ट के पास। वो यहाँ पे ये तो ये इनका किंग मारने वाला हूँ। ओ गाइस, हाफ हार्ट पे था मैं, फिर से गया। आई एम वेरी नूब, मुझे मेरा सामान लेके मुझे नहीं लूटना उनका टावर। व्हाट, तीसरी? अच्छा हुआ कि मैंने यहाँ पे रिस्पॉन पॉइंट सेट किया है बेड से, नहीं तो फिर घर पे स्पॉन होता वहां पे। मेरी हेल्थ अभी बहुत कम है, और ये तोड़ने से क्या? ओके, ये ही मिले। इससे क्या हम कुछ खाने के लिए बना सकते हैं? नहीं, ओ यस, यहाँ पे एक आयरन गोलम है, इसको छुड़ा सकते हैं हम। और मेरे पास तो हैक्स भी नहीं है, इसलिए बहुत देर लगेगी।
फिर अभी ये टूटने ही वाला है। वो एक तो वहां पे नहीं, वहां पे ये उनका सर, मतलब कि इसका सर लगा है मुझे लग। फिर से मरने वाला गया। गाइस मैं इस बार थोड़े से ब्लॉक्स लेके जाऊंगा, मेरा सामान डिस्पॉन भी हो सकता है इसलिए अभी जल्दी जाना पड़ेगा। इतने ब्लॉक्स थे कि अभी जल्दी जाता हूँ। गाइस वहां पे मतलब मेरा सामान ऐसे ही पड़ा होगा और अभी डिस्पॉन भी हो सकता है। और आयंग वाले इधर आ रहा है, वो वहां पे नहीं जा रहा। तो फिर अभी मैं जल्दी से इसके अंदर चला जाता हूँ और यहाँ पे ब्लॉक कर लेता हूँ। उसमें मेरा बहुत सारा आयरन भी है। कभी इसे ब्लॉक कर लिया। यहाँ पे भी ब्लॉक कर लेता हूँ और ऊपर मेरे ब्लॉक्स खत्म हो गए। ओ वहाँ पे मेरा सामान डिस्पॉन हो गया। ओह शिट गाइस, उसके अंदर मेरा बहुत सारा आयरन उसके अंदर ही था। गाइस अभी मैं एक काम करने वाला हूँ, मुझे अभी बेड की तो जरूरत नहीं, तो फिर डायरेक्ट अभी घर पे स्पॉन होगा आई थिंक। नो मैं यहाँ कहाँ पे स्पॉन, ओके वहाँ पे मेरा घर है। गाइज मेरी गेम बहुत ही मतलब ये ग्लिच कर रहे हैं ये लगता है। वो अंदर आयरन है गाइज, मैं मतलब ये ग्लिच बंद, मतलब ये कुछ ग्लिच हो रहा है, ये ठीक करके आप तुम तो, आपको मिलता हो। तो फिर गाइज मैं अभी यहाँ पे घर के अंदर आ चुका हूँ और अभी मेरे पास कुछ भी आयरन नहीं है, नहीं थोड़ा सा है, इतना है 35 गोल्ड भी है मेरे पास। और मतलब मेरे वर्ल्ड में कुछ तो ग्लिच हो गया और ओके ठीक हो गया वो। तो फिर गाइस अगले वीडियो में हम तैयारी करेंगे और उसके अगले आई थिंक कि उसके अगले वीडियो में मैं पिलेजर से बदला लेने जाऊंगा। तो फिर आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।